दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कैसे आप आवेदन कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को पूरा जानकारी दिया था। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण होता है और एक शहरी होता है, तो शहरी लोगों के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में, तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आ गया हूँ गूगल पर। अब चलिए मैं आप लोगों को पूरा जानकारी यहीं से दे देता हूँ। आपको भी गूगल को खोल लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है प्रधानमंत्री आवास योजना MIS, जी हाँ, MIS.gov.in। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये प्रधानमंत्री का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों के सामने खोल के आ जाएगा। ये प्रधानमंत्री शहरी लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये फ्री होता है, ये क्या होता है। दोस्तों, ये फ्री नहीं होता, ये आपको, अगर आप शहर से हैं तो आपको भारत सरकार की ओर से आपको घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है और वो पैसे को आपको वापस करना है। लेकिन इसमें अच्छा बात है कि जितना भी आप लोन लेते हो ये बहुत सारा यानी कि अमाउंट के पर निर्भर करता है कि कितना आपको सब्सिडी मिलता है। यानी कि जितना भी आप काम यानी कि लोन लोगे उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसका इंटरेस्ट पर सब्सिडी आपको भारत सरकार पे करती है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक चिपका दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप पूरा जानकारी ले लीजिएगा, या तो जो यहाँ पर डिटेल आ रहा है इसको भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश करके रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके भी पूरा जानकारी ले सकते हो। वरना यहाँ पे एक और आपको वेबसाइट मिल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा इसके बारे में डिटेल ले सकते हो कि कितने अमाउंट पे आपको कितने सब्सिडी पे करेगी, क्या करेगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले वहाँ से कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो थ्री लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस थ्री लाइन के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं थ्री लाइन के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे मिल रहा है सिटीजन अपॉइंटमेंट, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है यानी कि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है बेनिफिट अंडर अंदर थ्री, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। पहला वाला है जोगी वालों के लिए, तो चलिए मैं इसके ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ, बेनिफिशरी अंडर अदर थ्री। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जो भी है वो यहाँ पर, चलिए मैं जल्दी से भर देता हूँ जो भी मेरा नाम हो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको चेक पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर आपका सही जानकारी रहेगा तो अगला जो फॉर्म है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर खोल के आ गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने पूरा फॉर्म यहाँ पे आपको खोल के आ गया है। तो आप चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आप लोगों के सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा फॉर्म खोल के सामने आ गया है, यही फॉर्म को आपको भरना है। हिंदी में आसानी से भर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ऊपर में आपको राज्य का नाम जो भी है वो राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी है डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी सिटी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप योजना क्षेत्र के विकास क्षेत्र में से हैं, तो यहाँ पर नो है, इसे आप नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे विकास क्षेत्र का अगर आप हैं तो यहाँ पे अपना विकास क्षेत्र पे जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नो करते हैं तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये सारा जानकारी हिंदी में, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो आप लोग देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर आपको क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी के ऊपर ही क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको जो भी लोन लेगा उस पर आपको सब्सिडी चाहिए, तो आपको क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी के ऊपर क्लिक करना है। और नीचे आपका नाम तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंक भी आपको मेल कर लेना है, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम भरना है, उसके बाद आपके फादर का जो भी एज है वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद अपना जो भी एड्रेस है यहाँ पे आपको परमानेंट, जैसे कि यहाँ पे अपना हाउस का जो भी नाम है वो दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी एरिया लोकेटर विलेज जो भी है वो लिख दीजिएगा, यानी कि आपका एड्रेस है। अगर आप सेम ही जगह पर रहते हो तो आप किसके ऊपर क्लिक कर दोगे, आपको पूरा भरना नहीं पड़ेगा, इधर जो भी है वो अपने आप यहाँ पे भर जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से भर लेता हूँ। उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को पूरा एक बार जानकारी, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करना है आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे पूरा डिटेल है वो यहाँ पे आपको पूरा भरना है। तो चलिए मैं नीचे कर देता हूँ दोस्तों। चलिए नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर आपको पूछ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं आधार संख्या आपको अपने आप आ जाएगा, यानी कि ये सारा जानकारी हिंदी में। नीचे आपको एक जो मेन काम करना है वो यहाँ है, आपको परिवार के सदस्यों का जो विवरण है वो आपको देना है।
यानी कि आपका जो भी यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे परिवार के साथ जो भी रिलेशन है वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी वो है यानी कि मेल है या फीमेल वो डालिएगा, यहाँ पे एज डालिएगा, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट आईडी टाइप में आपको जो भी आईडी अवेलेबल है वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि आपके परिवार में जितने भी यानी कि सदस्य हैं सभी का यहाँ पे नाम आपको ऐड करना है। जैसे कि आपका वाइफ हो गया, आपका वाइफ का बेटा हो गया, या आपका वाइफ की बेटी हो गया, या आपका हो गया तो उसका नाम देना है। आप भाई और बहन का अगर उन लोगों का शादी नहीं हुआ है तो उन लोगों का नाम दे सकते हैं, और शादी हो गया तो नहीं दे सकते हैं। यानी कि परिवार का पूरा विवरण आपको यहाँ पे देना है। नीचे आइएगा तो आप जिस भी बैंक में अपना यानी कि खाता है वो बैंक नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सेलेक्ट बैंक सिटी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे आपको ईयर चूज कर लेना है। उसके बाद आप लोग इधर देख पा रहे हैं, आपको उसी तरह आपको पूरी डिटेल यहाँ पे भरना है। आपका कास्ट जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद शाखा का नाम जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए, आपको शाखा यहाँ पे अपने आप मिल जाएगा। यानी कि सारा कुछ बैंक का डिटेल डालने के बाद आपको क्या विकलांग है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद भारत के कहीं पर भी अपना मकान है तो अगर आपका जैसे कि जहाँ पर रहते हो अगर किसी और स्टेट में अगर है या नहीं है उसको आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे पूछ रहा है रोज़गार की स्थिति, आपका जो भी स्थिति है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि आप जो भी आपका रोज़गार में स्थिति है यहाँ पे आपको मिल रहा है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, लेबर है या अदर्स है, तो आपको जो भी है मन है अगर आप लेबर है तो लेबर से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट योर ऑफिसन यानी कि आप साल में कितना यानी जो भी आप काम करते हो वो यहाँ पे फार्मर है फार्मर लिख दीजिएगा। यानी कि आप जो भी हैं वो यहाँ पे आप जो भी काम करते हो उसका यहाँ पे आप कर यानी कि उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि अगर आप किसान है तो आपको फार्मर के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पे आपको पूछ रहा है परिवार के औसत मासिक आय यानी कि आप महीना में कितना यहाँ पे कमा लेते हो, यहाँ पे आपको रुपया में आपको डालना है। और यहाँ पे सारा कुछ आपको हिंदी में मिल रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये जल्दी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग इस तरह के वीडियो देखा नहीं करते, इसलिए मैं भर भर के आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ डिटेल ही बता दे रहा हूँ। क्या परिवार के पास BPL कार्ड है, अगर है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और उसका नंबर आपको यहाँ पे इधर जो साइड में है BPL यहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं परिवार की आवाज़ की आवश्यकता, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपको उसके ऊपर क्लिक करके न्यू हाउस चाहिए या तो फिर आपको कोई पुराना हाउस ख़रीदना है, तो आपको अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं तो आपको न्यू हाउस के ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं न्यू हाउस को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इसको है टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा है इसको यहाँ पे भर दीजिएगा, जो भी कैप्चा यहाँ है ये कैप्चा को यहाँ पे भरने के बाद आपको जो यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल हिंदी में है, आप पढ़ पढ़ के आसानी से डाल सकते हैं। बस कुछ नहीं, अपना एड्रेस है, आपका बैंक का डिटेल है और अपना डिटेल है, यही आपको देना है। सब रुवाते में अपना डिटेल देना है, उसके बाद एड्रेस डिटेल देना है, उसके बाद बैंक का डिटेल देना है, और थोड़ा मोड़ा आप क्या करते हैं अपना BPL संख्या डालना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा फॉर्म है लेकिन ये बहुत छोटा फॉर्म है, आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में है, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ पढ़ के ये फॉर्म सबमिट कर दोगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको अप्रूव हो जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। आपको सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उस रेफरेंस नंबर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको रिजेक्ट हुआ है क्या हुआ है। आप चलिए ये कैसे पता लगा सकते हैं, आपको बाइक होना है दोस्तों। वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको फिर से बाइक हो जाना, होम पेज पे आना, उसके बाद आपको फिर से 3 लाइन के ऊपर ही क्लिक करना जहाँ से आपने अप्लाई किया था। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको पूरा जानकारी यानी कि जो आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा वहाँ से उसको आप प्रिंटेड करवा सकते हो, यानी कि प्रिंट यहाँ पे करा सकते हो। और अपना स्टेटस भी नीचे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है ट्रैक योर असाइनमेंट स्टेटस, तो आपको यहाँ पे यानी कि इसके ऊपर आप क्लिक करोगे जो भी आपका रेफरेंस नंबर दिया जाएगा वो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आप किसके थ्रू से करना चाहते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं बाय नेम और मोबाइल नंबर और बाय असाइनमेंट आईडी जो आपको सबमिट करने के बाद मिलता है। अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपको वो असाइनमेंट आईडी आप लिख के सर्च करोगे तो उसके बाद आपको स्टेटस बता दिया जाएगा, जो आपको आईडी मिला है वो आईडी यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर बता जाएगा कि आपने जो भी फॉर्म भरा है वो अप्रूव हुआ है और रिजेक्ट हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। जो आपको यहाँ पे असेसमेंट आईडी जो मिलता है ये आपको यानी कि आपका स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या तो आपके मोबाइल के मैसेज में भी ये मिल जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। इसके लिए आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ सकता। ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर पसंद आया है, और अगर आप इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।